विस्तार जी, ठीक है आप, अगर आप चाहे तो केस अगली डेट के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। योर ऑनर, कुछ नई डेवलपमेंट्स की वजह से मेरी क्लाइंट मिस सांची शेखर अपना बयान वापस लेना चाहती हैं। और चूंकि उनके बयान के आधार पर ही राजस्थान सरकार की तरफ से इस मुकदमे को दायर किया गया था, इसीलिए अब इनके बयान के वापस लेने पर राजस्थान सरकार इस केस को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। स्ट्रेंज, मिस सांची के अचानक लिए इस फैसले की वजह? योर ऑनर, इस पूरे मामले पर एक बार फिर से गौर करने के बाद मिस सांची को यह एहसास हुआ कि शायद ये सब कुछ थोड़ी जल्दबाजी में उन्होंने कुछ वक्ती जज्बातों में बहकर यह कदम उठा लिया था। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इसे इनकी गलती ना मानते हुए और इनकी मेंटली अनस्टेबल कंडीशन को देखते हुए इस केस को खत्म करने की इजाजत दी जाए। मिस्टर जिंदाल, एक सीनियर लॉयर होने के नाते आपका यह फर्ज बनता था कि शुरू में ही आप अपने क्लाइंट को इस मामले से जुड़ी हर बारीकी बताकर सही फैसला लेने में उनकी मदद करते। ऐसा हुआ होता तो अदालत का वक्त अननेसेसरी खराब ना हुआ होता। एनीवे, मिस सांची शेखर की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह कोर्ट राजस्थान सरकार को इस केस को वापस लेने की इजाजत देती है। लेकिन एक पढ़ी लिखी नागरिक होने के नाते मिस सांची शेखर को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ऑलरेडी अदालत में हजारों केसेस जस्टिस के लिए पेंडिंग है। ऐसे में अदालत का वक्त इस तरह जाया करना मॉरली और लॉफुली भी गलत है, और इस बात के लिए अदालत मिस सांची शेखर को जुर्माना भरने का हुक्म सुनाती है। इसके अलावा मिस सांची शेखर पर आत्महत्या करने की कोशिश का भी आरोप है, तो इसके लिए भी अदालत सांची शेखर को जुर्माना भरने का हुक्म सुनाती है। मिस्टर जगदीश सिंह के खिलाफ दायर किए गए आरोपों को रद्द करते हुए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। ने जो कुछ भी किया है मेरे लिए उसके लिए थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ फ्री मैन नाउ। परिवार करता है अपनी बेटी के लिए, फिर गलती तो मेरी भी थी। भले मेरा फैसला सही था लेकिन उसे करने का तरीका वो गलत था। सांची और मेरा रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से जोड़ा गया था, तो फिर मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस बारे में कोई भी फैसला अकेला कर लूं। मुझे अपने दिल की बात अपने परिवार वालों को, अपने बड़ों को बतानी चाहिए थी। अगर मैंने ऐसा किया होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। मेरी इस गलती का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो मुझे। जगदीश बेटा,
तुम्हारी बातें सुनकर और दिल कर रहा है अपनी किस्मत को कोसने का कि उसमें तुम जैसा दामाद नहीं है। Anyway, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सतीश ने तो रिश्ता तोड़कर भी हम सबका मान रखा, लेकिन मैं रिश्ता होने के बाद भी आप लोगों का मान नहीं रख पाया। आप तो खुद चलकर आए थे मेरे पास मुझे सही रास्ता दिखाने, और मैंने आपका अपमान किया, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करो शिव। मेरे हिसाब से ऐसी कोई गलती नहीं हुई आपसे जिसे भुलाया ना जा सके। मेरे घर में भी बेटी है, एक औलाद का दर्द और खासकर बेटी का दर्द मैं समझ सकता हूं। बाप का कलेजा चिर जाता है और फिर सबसे ज्यादा बड़ी हो जाती है बच्चों की खुशी। एक और गलती हुई है और उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। जी आपने कहा था कि रिश्ते तोड़ने से नहीं टूटते, बिल्कुल सही कहा था आपने। इस गलतफहमी से पैदा हुए गुस्से और डर ने मुझे सच्चाई का एहसास नहीं होने दिया और मैं आपके और आनंदी के बीच दीवार बन के खड़ी हो गई। लेकिन अब मुझे आपकी बातों की सच्चाई मेरे दिल के अंदर बैठ गई। दुनिया की कोई ताकत एक माँ को उसकी बेटी से अलग नहीं कर सकती। और अगर बेटी आनंदी जैसी हो तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है ना आपको सबसे दादी सा, लेकिन क्या फिर से सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या इस बुरे वक्त को हम भुला नहीं सकते? थारी खातिर तो कुछ भी करेगी जे टोकरी। सारी दुनिया की गलतियां माफ करके भुला सके हमारी लाड को। हो गए